तो एम्बेसी ने मेरे से क्या बोला, हम लोग टूरिस्ट वीजा नहीं देते हैं, पूरी कंट्री अनसेफ है, जो रास्ता है वो हम लोकल पर नहीं करते, लोकल में नहीं जाते हैं, लोकल के लिए अनसेफ है, बहुत हालत खराब है। तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है नीजर में मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीजर में भी जाऊंगा। मैं इकलौता फॉरेनर हूँ पूरे बस में, इकलौता टूरिस्ट हूँ। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ बेनिन की लार्जेस्ट सिटी कोदनू में, और ये भाई गौरव भाई। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा है, मैं एक ऐसी कंट्री जा रहा हूँ जहाँ मेरा जाने का एक दिन पहले तक कोई भी प्लान नहीं था, ना कभी मैंने सोचा था कभी जाऊँगा, वो है नीजर। क्योंकि नाइजीरिया मेरी लास्ट कंट्री थी इस ट्रिप की, लेकिन उसका वीज़ा प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं जब यहाँ पर नाइजीरिया एम्बेसी वीज़ा अप्लाई करने गया, तो उन्होंने मेरे से बोला 1 घंटे बाद आओ, अभी लंच टाइम है। मैं सोचा यार 1 घंटे में क्या करूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ देख रहा था यार, मैं सोचा यार यहाँ पे नेबरिंग कंट्री नीजर, क्यों ना वहाँ ट्राई करता हूँ। तो मैं नीजर एम्बेसी गया, मैंने कहा मेरे को टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है नीजर का। तो एम्बेसी ने मेरे से क्या बोला, हम लोग टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते हैं, एक ऐसी कंट्री जिसका टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं है, बोले सिर्फ बिजनेस वीज़ा देंगे, वो भी श्योरिटी नहीं है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अप्लाई कर दो फीस जमा कर दो, हम लोग इसका रिक्वेस्ट भेजेंगे नियामे जो कि नीजर की कैपिटल है, वहाँ मिनिस्ट्री को भेजेंगे, अगर अप्रूव होता है तो आपको बिजनेस वीज़ा मिलेगा, अप्रूव नहीं होगा तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एज अ लक ट्राई करता हूँ, मिल गया अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं। तो मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला कि 1 वीक का टाइम लगेगा अप्रूवल आने में, नेक्स्ट वर्किंग डे को ही मेरा अप्रूवल आ गया। एक्चुअली मैं दिन में विजिट किया था फिर से अगले दिन, बोले अब घर जाओ आपको मैं कॉल करूँगी, कुछ देर बाद आपके पास कॉल आ गया। तो मैं दोबारा फिर गया उनके पास, नीजर वीज़ा लिया, सब कुछ यहाँ पर यार माली जैसा हो रहा है, क्योंकि नीजर वन ऑफ द अनसेफ कंट्री है वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है, और वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका की सबसे पुअर कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में आती है अफ्रीका की, बात ही छोड़ दो। अभी तक शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती कंट्री में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है अभी तक, जितना मैं अभी तक स्टडी किया हूँ मेरे हिसाब से कंट्री माली और मॉरिटानिया का मिक्सचर है, लैंडस्केप वाइज ये कंट्री मॉरिटानिया जैसे होने वाली है, क्योंकि मॉरिटानिया 90% सारा डेजर्ट में लोकेटेड है, बट नीजर 80-90% सारा डेजर्ट में लोकेटेड है, और सिक्योरिटी वाइज पीपल वाइज माली जैसा है, एक दो सिटी छोड़ के कैपिटल छोड़ के बाकी पूरी कंट्री अनसेफ है। कल यहाँ पर हम एक ट्रैवलर से मिले हैं, US से थे वो, तो अभी नीचे हो के आए हैं, बोल रहे थे भाई कैपिटल के बाहर कहीं भी जाने के लिए आपको मिलिट्री एस्कोर्ट सर्विस लेनी पड़ेगी और परमिट वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंट्री अनसेफ है, पूरे कंट्री में मिलिटेंट्स हैं। तो नियामें तो कंपेरेटिवली सेफ है, वो भी बोल रहे थे थोड़ा अनसेफ तो है लेकिन कंपेरेटिवली सेफ है। तो मैं बस यहाँ से कोदनू से नियामे जा रहा हूँ, अराउंड 1000 किलोमीटर है, 24 घंटे की बस जर्नी होने वाली है। ऑलरेडी मैंने बस टिकट बुक कर लिया हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में बस स्टेशन जाने वाला हूँ, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बजे की बस है। वीज़ा भी मेरे को 1-2 दिन पहले ही मिला, कल मैंने बस टिकट बुक किया हूँ, 21,500 सेवा का बस टिकट पड़ा है, और इसका वीज़ा मेरे को पड़ा है 1 मंथ का सिंगल एंट्री बिजनेस वीज़ा मिला है, वो भी 21,000 सेवा के आसपास पड़ा है, 2700 रुपये के आसपास आ रहा है। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी जो गार्ड है, सिक्योरिटी वॉचमैन है, वो भी नीजर के हैं, वो भी नीजर के हैं। उन्होंने कल क्या बोला आपसे? वो बोल रहे थे कि आप नियामे के बाहर पाँव ही नहीं रखना। अच्छा, दूसरी सिटी सेफ है, एक अगादेश करके एक अच्छी जगह है, काफ़ी दूर है, बट वो कह रहे हैं वो सिटी अच्छी है, बट जो रास्ता है वो हम लोकल प्रेफर नहीं करते, लोकल में नहीं जाते हैं, लोकल के लिए अनसेफ है, बहुत हालत खराब है। तो काफ़ी दूर सिटी है, उसके लिए लोकल फ्लाइट ही लेते होंगे? सब फ्लाइट लेते हैं नॉर्मली, इंडियन से यहाँ से फ्लाइट लेते हैं नियामे का, आपने तो पता नहीं कैसे जितने मैंने इंडियन से बात की सब बोल रहे भाई फ्लाइट से जाओ, मैं शायद इकलौता इंडियन होगा या बहुत ही कम होगा जो भाई बस जा रहा है यहाँ से, वही बस मोस्टली लोकल से जाते हैं। बस स्टैंड वाले भी अजीब से अपन को देख रहे थे कि हाँ इंडियन दिखते नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कैसे। हाँ, बस वाले भी कह रहे हैं इंडियन हो गए बस से जा रहे हो नियामे, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी बोले, ये कुछ गुजराती डिश है, दाल वड़े, दाल वड़े एंड उसके साथ दही कड़ी है। ओके, दाल वड़ा है और दही कड़ी है, और साथ में ब्रेड, साथ में पहले ब्रंच करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं जो इंडियन खाना खा रहा हूँ, सोचो यार इतना टेस्टी इंडियन खाना कौन बनाता है, तो ये स्टेला है, यू आर फ्रॉम नाइजीरिया? यस आई एम। तो नाइजीरिया से यार ये इतना टेस्टी ऑथेंटिक इंडियन खाना बनाती है कि लग नहीं रहा कि मैं इंडिया के बाहर अफ्रीका में इंडियन खाना खा रहा हूँ। Look very good Indian food, very very good. Very good, very very nice. Hello to India people. So my name is Esther. So I am from Nigeria. I make very delicious and special food from Indian people. How and where did you learn cooking Indian food? I learned from Nigeria.
Indians living in Nigeria. Yes. From them. Yes. Okay. You're right. Okay, thank you so much. Are you welcome. तो हम लोग बस स्टेशन जाने के लिए घर से निकल चुके हैं और क्योंकि 24 आवर की बस जर्नी होने वाली है तो मैं काफी कुछ खाने का ले लिया हूँ। अभी भी कोई एक इंडियन शॉप जाने वाला हूँ, वहाँ से मैं कुछ खाने का पैक करा लेता हूँ, एटलीस्ट आज पूरे दिन का काम चल जाए। तो रास्ते में कुछ ढंग का मिलने वाला नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग एक इंडियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट आए हुए हैं। भाई यहाँ पर मैं दो आलू पैटीज पैक करा रहा हूँ। पैटीज मैं इंडिया में कभी नहीं खाता हूँ, मजबूरी है खाना पड़ रहा है। पैटीज कम्प्लीटली अनहेल्दी, बट यहाँ नो अदर ऑप्शन। तो दो पैटीज ले लिया हूँ, 1200 सेफा का, यानी कि एक पैटीज 150 इंडियन रुपीस का। अब हम लोग बस स्टेशन जा रहे हैं। नीचर ऐसी कंट्री है यार, आप लोगों में से बहुत लोग शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। मिलता जुलता नाम है और दोनों नेबरिंग कंट्री है, नाइजीरिया एंड नीजर। यहाँ पे लोगों के एक्चुअली नीजर जो है ना वो लोग पसंद नहीं है, टीज करते हैं लोग वैसे। अच्छा, गरीब कंट्री, गरीब गरीब देश है, गरीब मुल्क से हो, अच्छा नहीं है आपके मुल्क में, अच्छा कुछ नहीं है, एकदम वैसा है। हाँ, यहाँ के जो नीजर के लोग हैं उनको बुरा तो लगता है, बट हम इंडियंस को सबको सब इक्वली ट्रीट करते हैं। और मैंने देखा कि नीचर के काफी सारे लोग यहाँ पे वॉचमैन की जॉब हो गई और ड्राइविंग की हो गई, सामान उठाने, छोटे काम वाले काम, सामान रखने उठाने वाले छोटे काम करते हैं यहाँ पे, लेबर वर्क। तो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है नीजर में मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीजर भी जाऊंगा। तो भाई अपनी बस जो जाने वाली है नीजर की कैपिटल नियामे, इतना सारा सामान सब नीजर भाई, इतना सारा सामान है सब नीजर जा रही है। काफी सारा सामान है, कार्गो है। लोग जाते नहीं, सामान भेज देते हैं। वही बैग दे दिया इनको, ये बैग रखेंगे। नहीं कोई नहीं, मैं किलो में तुम भेजो। क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा कब तक पहुंचेगी बस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे मुझे पता ही नहीं कब पहुंचेगी, पता ही नहीं। अरे यार ऐसा मत बोलो, 24 घंटे ये बोल रहा है। भाई मेरा बैगेज है, इन्होंने नाम लिख दिया है, देखो तोर वशु। ओके मर्सी। तो गाइस ये बस है लिम्बो, 3-4 कंपनी की बस जाती है, कुछ सस्ती भी है कुछ महंगी भी है। कब पहुंचेगी कोई टाइम पता ही नहीं रहा है, कब पहुंचेगी। बस 1000 किलोमीटर बोल रहे हैं ये लोग। नीजर के लग रहे हैं मेरे को, बनने के लग नहीं रहे हैं सही। सो गाइस 1 बजे की बस है और 1 बज चुका है, बोल रहे हैं वेटिंग रूम है, यहाँ वेट करो। इतनी बड़ी बस में बस 4-5 लोग हैं, क्या पता है, एडवेंचरस होने वाला है। मैं भी नीचे बिना किसी प्लानिंग के जा रहा हूँ, कुछ भी प्लान नहीं किया हूँ। इंडिया शादी को जाता हूँ घूमने, जिस कंट्री के टूरिस्ट वीजा ही नहीं है यार, क्या ही बोला जाए उस कंट्री के लिए। तो भाई अब बुलाया जा रहा है, यही 5 लोग ही दिख रहा है बस के अंदर, बुला के पता चलेगा एक्चुअल कितने लोग हैं। ओके भाई, ओके, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी। ओके भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, थैंक यू। तो भाई देखो कुछ ऐसी बस है, बस काफ़ी सही लग रही है, पूरी एयर कंडीशन बस है ये। बोंजूर सब फ्रॉम नीचे नियामे, नियामे हाँ ओके। अभी हम 2 ही लोग हैं बस में, और भी 4-5 लोग और हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी मैंने देखा ये बस चाइनीज कंपनी की है, ये देखो यूतोंग कोई चाइनीज कंपनी की बस है ये। कोटनू से बेनिन एंड नीजर का बॉर्डर 700 किलोमीटर है, अराउंड कल मॉर्निंग पहुंचेंगे बॉर्डर पे। उसके बाद फिर बॉर्डर से नियामे कैपिटल नीजर का, उसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो ये भाई मेरे को पैसेंजर नॉम नॉम हाँ साशे नियामे नीजर नीजर नियामे नो नियामे नीजर। बस निकल चुकी है और आधी सारा बस खाली है, मेरे ख्याल से 20% भरी है, 80% बस खाली है। That's all, we see.
क्या है भाई? फाइन कारें सो गाइस, अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं बस को कोटोनू से निकले, और 3 घंटे में बस ने सिर्फ 125 किलोमीटर कवर किया है। अभी 875 किलोमीटर से भी ज़्यादा कवर करना बाकी है नियामे पहुँचते, नीजर के कैपिटल पहुँचते। अभी कोई छोटा सा टाउन है या विलेज है कुछ ऐसा है यहाँ पर रुकी हुई है बस। ज़्यादातर यहाँ पे यार हर टाइप का मीट मिल रहा है, हर एनिमल का यहाँ मीट मिल रहा है और ब्रेड मिल रही है, मैक्सिमम लोग यही खा रहे हैं यहाँ पे। पूरे सूखा खजूर है, ड्राई डेट्स। सूखी ब्रेड और मीठी मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है। पावर बैंक सो गाइस, अभी रात के 8 बज चुके हैं, 7 घंटे हो चुका है कोतुनू से बस निकले। 7 घंटे में हम लोग 350-300 किलोमीटर ही अभी आए हैं, अभी 700 किलोमीटर बाकी है। आई डोंट नो उसके बाद मैं लॉगिंग कर पाऊंगा कि नहीं, शायद अब वो मॉर्निंग में मिलूंगा। जब तक मैं बेनिन में हूँ तब तक तो सेफ है, पर जैसे ही बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, बॉर्डर पहुँचने से पहले और बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद नियामे तक, आई डोंट थिंक सो मैं कुछ ब्लॉगिंग कर पाऊँगा, कैमरा यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि जो रूट है ना बॉर्डर से लेकर नियामे तक कैपिटल तक, वो काफ़ी अनसेफ बोला जाता है। मैं इकलौता फॉरनर हूँ पूरे बस में, इकलौता टूरिस्ट हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं, निजर के जो लोग हैं ना, बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और काफ़ी अनफ्रेंडली भी लग रहा है मेरे को। अभी मैं बस में बैठे बैठे यूके का, यूएस का, कनाडा का और कुछ कंट्रीज़ का निजर के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज पढ़ रहा हूँ। तो सब जगह लिखा हुआ है, अवॉइड ऑल ट्रैवल टू निजर, रिस्क ऑफ टेररिज्म एंड किडनैपिंग इज वेरी हाई एंड कैन हैपन एट एनी टाइम। अभी मैं देख रहा हूँ इस बस में बैठने के बाद। सो गाइस, अराउंड 24 आवर की जर्नी करने के बाद हम लोग वेस्ट अफ्रीका के सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री निजर की कैपिटल नियामे पहुंच चुके हैं। कल अराउंड 1 बजे निकले थे कोतुनू से, अभी अराउंड 12 बज रहे हैं दोपहर के। बहुत सारी बातें बतानी, कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया सिक्योरिटी इशू की वजह से, नीचे उतर के बताता हूँ। जस्ट अभी हम लोग नियामे पहुँचे हैं, सारा लगेज यहाँ उतर रहा है, इसी में कहीं मेरा भी होगा। तो भाई अपनी ये बस है, ये देखो रिम्बो की बस, यहीं कहीं मेरा लगेज भी होगा, दिख तो नहीं रहा है लेकिन होना तो चाहिए, पता नहीं कहाँ गया। अरे मेरा बैग कहाँ है भाई, कहीं छोड़ तो नहीं दिया इन लोगों ने भाई बैग बागज। ये पड़ा है भाई, तो गाइस बस स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ से मेरे को टैक्सी लेनी है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है यार, पूरा माली एंड मॉरिटानिया वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे हर चीज़ में, पूरा डेजर्ट है, टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री के आसपास है। टैक्सी एक आजमा एक आजमा ओके या Casablanca, tu vas descendre où? Au oh, juste. J'ai un taxi. Ah, tu as un taxi. C'est bon? How much, Safa? Safa. 2500. My friend, it's 500. 2000. My friend, 500, I give you 1000 francs. 2000 is beaucoup, beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. It's beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा यार, लोग काफ़ी सस्पिशियस हैं, काफ़ी सिक्योरिटी इशू है यहाँ पे, तो उतना रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊंगा, शायद कार के अंदर बैठ के करता हूँ। बोंजूर सावा,
कमिंग फ्रॉम कोतनू हाँ कोतनू तो ये भी मेरे साथ कोतनू से नियामे आई हैं और ये शेयरिंग टैक्सी है लेकिन दो ही लोग हैं जहाँ मेरे जाना डिस्टेंस नहीं पता है बस फ़ोन से बात करा दिया हूँ नॉर्मली बोल रहे हैं यार 500 लगता है मैक्सिमम 1000 चलो कोई बात ज़्यादा ले लो उनको मैं 1500 दे रहा हूँ नेशनल बॉर्डर हम लोग पहुँचे अराउंड सुबह 4 बजे तो 4 बजे हम लोग का इमिग्रेशन हुआ बाकी सब तो लोकल थे इन लोग अपना लोकल आईडी दिखा के इन लोग का हो जा रहा था एंट्री और जैसे ही मेरी बारी आई मैं बीच में था एक्चुअली लाइन के बस की फिर लाइन लगी हुई थी बीच में था मेरे को देखा मेरा पासपोर्ट देखा मेरे को अलग कर दिया सबसे अलग बाकी सब का इमिग्रेशन कम्प्लीट किया फिर एकदम एंड में मेरे को बुलाया कि भाई कौन हो कहाँ जा रहे हो क्यों आए हो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है मेरा वीज़ा वगैरह फिर अंदर गए सीनियर ऑफिशल्स को लेके आए वो मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो खींचा वीज़ा का फ़ोटो खींचा कहीं भेजा आई डोंट नो मिनिस्ट्री को भेजा कहाँ भेजा फिर वहाँ से कंफर्म किया वैलिडेट किया वहाँ से अप्रूवल आया उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा कि क्यों आए हो टूरिज्म तो बोल नहीं सकता क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा है नहीं मेरा बिज़नेस वीज़ा है टूरिज्म के यहाँ कोई आता नहीं है मेरे को फिर ना चाहता भी बोलना पड़ा कि मैं यहाँ बिज़नेस के लिए आया हूँ इसको यहाँ जानते हो कहाँ रुक रहे हो क्या करने आए हो काफ़ी क्वेश्चन पूछा मैं कोई तरह हैंडल किया उनको कन्विंस किया कि वो भी मान गए आखिरी में 4 बजे पहुँचे थे 5 बज गया था 1 घंटा लग गया इसमें होने में पूरे रास्ते में बॉर्डर से लेकर नियामे तक 15 से 20 बार पुलिस चेक पोस्ट आए होंगे और हर बार पासपोर्ट देखा जा रहा है वीज़ा देखा जा रहा है हर आधे से 1 घंटे में उठाया जा रहा है बस से सब लोगों को कंट्री पूरी 80 से 90% सहारा डेजर्ट में लोकेटेड है बहुत ज़्यादा गर्म है ऑल्दो टेम्परेचर 40 डिग्री है बट उससे भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे फील हो रही है पूरा ड्राई वेदर है पूरा ड्राई अभी हम लोग कैपिटल के अंदर ही हैं यार सिर्फ मेन रोड छोड़ के रोड ही नहीं हमको ऐसा लग रहा है बहुत ख़राब रोड है अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये देखो भाई पूरी कच्ची सड़क है कच्ची रोड है पूरी और गाड़ी पूरी हिल रही है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको HDI भी बोलते हैं निजर वर्ल्ड का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है सबसे कम डेवलप्ड कंट्री निजर है एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक निजर वर्ल्ड का 5th पुअरेस्ट कंट्री है सो गाइस मेरे को जहाँ आना था वहाँ मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप थी जब मैं यहाँ पहुँचा यार एक्चुअली मेरे कैमरे में 2 बटन है एक बटन जिससे कैमरा ऑन होता है एक बटन जिससे रिकॉर्डिंग ऑन होती है तो जल्दी होता नहीं कभी कभार हो जाता है मैंने रिकॉर्डिंग बटन की जगह कैमरा ऑन वाला बटन दबा दिया तो कैमरा ऑन हो गया और कुछ रिकॉर्डिंग हुई नहीं तो वो क्लिप यार थोड़ा मिस हो गया काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब मैं यहाँ पहुँचा लोकल लोगों से बात हुई तो अभी मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ ये इंडिया नहीं है इन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप कभी निजर आना तो हमारे यहाँ आना लेकिन इससे ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी और यहाँ आने से पहले कन्फर्म नहीं था कि मैं निजर में कहाँ रुकूँगा तो रास्ते में ही इनसे बात हुई मेरी बस में या कन्फर्म हुआ कि मैं इनके यहाँ रुकने वाला हूँ सो गाइस अभी मैं हूँ अमित भाई जी के साथ हूँ हेलो इन्होंने ही मेरे को इनवाइट किया था नियामे में अमित भाई जी थैंक यू सो मच वेलकम आप निजर कब से हैं मैं 2017 से वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में तो काफ़ी इंडियंस है बट यहाँ पे कितने होंगे निजर में 200-250 तक है क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है अगर लैंडलॉक कंट्री नहीं होती तो फिर पोर्ट वगैरह बहुत दूर पड़ता है तो इस वजह से यहाँ पे मतलब एक्सेस ज़्यादा है मतलब पोर्ट का ड्यूटी ज़्यादा है कस्टम्स ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते जितने भी इंडियंस दिखेंगे तो उनको जहाँ पे पोर्ट एक्सेस है अच्छा पोर्ट कंट्रीज में ज़्यादा इंडियंस ओके ओके क्योंकि वहाँ से वो सामान अगर अपना मंगाते तो पोर्ट है पोर्ट कंट्रीज कंपेयर करें तो यहाँ पे इंडियंस तरीके से कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं वहाँ से 4,000-5,000-10,000 तक है तो ये मेरा क्या बोलो ब्रंच है ये तो भाई दोपहर के 1 बज चुके हैं ये सैंडविच और एक कॉफ़ी है भाई जी आप इंडिया में कहाँ से हैं मुंबई यहाँ पे पेट्रोल कितना सेफ लीटर है 540 सस्ता पेट्रोल है यहाँ पे अराउंड 70 रुपीज़ लीटर पड़ रहा है ये भी महंगा है अच्छा महंगा ही है मतलब इनके हिसाब से जैसे भी घर में ऐसे 12 महीने रहता है ऐसे ही घर में यहाँ पे सो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी किसी काम से बाहर निकले हुए थे आज बहुत ज़्यादा कुछ देखने घूमने का नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब बहुत टाइम लग चुका है और बहुत थका भी हूँ निजर का टाइम जोन सेम एज बेनिन है इंडिया से 4.5 घंटे पीछे GMT+1 और करेंसी भी इसकी वेस्ट अफ्रीकन सेफा ही है
तो मेरे को करेंसी वगैरह एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम बेनिन की करेंसी यहाँ पे यूज हो रही है। मेरे हिसाब से बुर्किना फासो छोड़ के सारे कंट्री में जा चुका हूँ जहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन सेफा यूज होता है। मेरा बुर्किना फासो में जाने का बहुत ज्यादा मन था। नियामे से बुर्किना फासो की कैपिटल बहुत दूर नहीं है, पास ही है, सेफ नहीं है। वहाँ पे यार दो दो मल्टीपल मिलिट्री कू हो चुके हैं। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जाने रास्ते कुछ फॉरेस्ट पड़ते हैं जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिव है। तो बुर्किना फासो फिर कभी करेंगे। और अब मेरी पूरी वेस्ट अफ्रीकन मेन लैंड में नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो छोड़ के सारी कंट्री हो चुकी है। देखो भाई ये कंट्री पूरी सारा डेजर्ट में लोकेटेड है। हर जगह यहाँ बड़ी भाई रेत ही रेत है। ये देखो सारा डेजर्ट जहाँ पर ख़त्म होता है उस एरिया को बोलते हैं साहेल। स्पेशली नियामे जो है ना वो निजर के साहेल रीजन में लोकेटेड है। क्योंकि सारा डेजर्ट यहाँ पे ख़त्म होता है तो यहाँ पर रेत है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे नियामे के बाहर निकलेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की तरफ फिर पूरा वही मॉरिटानिया वाला ही हाल होने वाला है। यहाँ पर भी निजर की सिम कार्ड मैंने बॉर्डर पे ही ले ली थी आज सुबह 4 बजे। 3000 सेफा में मेरे को मिला है 5 GB इंटरनेट 4G। सिम मेरे को पड़ी थी 1000 सेफा की। टोटल 4000 सेफा मेरे लगे हैं अभी तक सिम कार्ड में। निजर कंट्री के बारे में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो अगले वीडियो में ही आएगा जब निजर की कैपिटल नियामे को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस वापस घर पे आ चुके हैं और वेदर इतना ज़्यादा गर्म है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम लोग नियामे को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे।